इन्होंने मनगणन खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया। अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने आरक्षण को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कोटद्वार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमी, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पत्थर नहीं मारना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ, मैं ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूँ मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना हमाम में सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। अब मेरे पे लांछन लगा के मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए मैंने पला जो सिर्फ इतना चार दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्टोन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव, आप उस पर विचार कर लो, इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से नरेंद्र जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। सर विधानसभा चुनाव ये जो 2022 का, इसकी हवा क्या आपने पढ़ ली है? कहा जा रहा है कि बीजेपी इस चुनाव में अच्छा रिजल्ट देगी। कहां से आएगी ऐसी बुद्धि आएगी तो कहां से आ जाएगी? तो इसलिए आप कांग्रेस में शामिल? नहीं, मैं इसलिए नहीं सम्मिलित हो रहा हूं, इन्होंने निकाल दिया तो क्या करूंगा मैं, घर तो बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो कफन बांध के राजनीति करता हूं। तो अब आपका भविष्य क्या होगा सर? क्या है मेरा? मुझे कोई भविष्य नहीं चाहिए, मुझे उत्तराखंड का भविष्य चाहिए। क्या उत्तराखंड? मुझे कोई अपना भविष्य, उत्तराखंड का भविष्य कांग्रेस की सरकार आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है, और जो नहीं भी आनी थी वो अब आ गई। देखिए सर किस राजनीतिक पार्टी में आप जा रहे हैं? मैं देखिए कोई दूसरा नहीं, मैं देखिए कांग्रेस के साथ बातचीत होगी, अब करूंगा मैं बातचीत तो कांग्रेस में जाऊंगा, नहीं तो मैं किसी और राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, बिना सम्मिलित हुए कांग्रेस के लिए काम करूंगा, कोई शर्त नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सरकार लाने के लिए काम करूंगा, निस्वार्थ होकर करूंगा।